नमस्कार दोस्तों, कहानी बॉलीवुड वालों की में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों की बायोग्राफी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए आज सुनते हैं एक खास कलाकार के बारे में। यह वो अभिनेता है जिसे देख के फिल्म शराबी का अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आता है कि भाई मूछे हो तो नत्थू राम जैसी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी की दुनिया के जाने माने एक्टर मुकरी की। वैसे असली नाम था इनका मोहम्मद उमर मुकरी, लेकिन दुनिया इन्हें सिर्फ मुकरी के नाम से जानती है। जबरदस्त कॉमेडियन वर्सटाइल एक्टर मुकरी की यह कहानी है। इनका जन्म हुआ 5 जनवरी सन 1922 को अलीबाग में। दरअसल मोहम्मद उमर मुकरी और यूसुफ खान यानी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार क्लासमेट रहे और गहरे दोस्त भी। यह दोनों मुंबई के अंजुमन उर्दू हाई स्कूल में साथ में ही पढ़ा करते थे और साथ रहा भी करते थे। दिलीप कुमार तो फिल्मों में हीरो बन गए और मुकरी साहब एक काजी बन गए और मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने लगे। तभी एक दिन माह रमजान में इनकी मुलाकात हुई उनके दोस्त यूसुफ यानी दिलीप कुमार से, और मुकरी साहब ने अपने दोस्त से कहा कि देखो यूसुफ, मेरा परिवार बेहद बड़ा है, पैसों की बेहद तंगी है, समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। और तब दिलीप कुमार ने बॉम्बे टॉकीज की ओनर देविका रानी से इनकी सिफारिश की और फिर मुकरी साहब ने बॉम्बे टॉकीज के साथ बतौर जूनियर असिस्टेंट अपनी शुरुआत की। यह बॉम्बे टॉकीज के साथ जूनियर असिस्टेंट काम करते रहे और जल्द ही यह फिल्म और एक्टिंग से भी जुड़ गए। उनके दोस्त यूसुफ खान 1944 की फिल्म ज्वार भाटा से फिल्मों से अपनी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब की दूसरी फिल्म रही प्रतिमा जो वर्ष 1945 में आई थी। इस फिल्म से मुकरी साहब ने दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 1945 के बाद मुकरी साहब का फिल्मी सफर न रुका। 1945 से सन 1994 तक मुकरी साहब ने तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया। बड़े से बड़े स्टार आते और जाते रहे, फिल्म स्टारों की कुर्सियां बदलती रही, लेकिन बतौर कॉमेडियन मुकरी साहब फिल्मों में अपनी जगह बनाए रखी। लगभग 4 दशकों तक मुकरी साहब फिल्मों में कॉमेडी करते रहे। दिलीप कुमार रहे हो या राजकुमार, महमूद साहब रहे हो या देवानंद, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, सुनील दत्त, राजकुमार, संजीव कुमार, विनोद मेहरा या ऋषि कपूर, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में इनकी कॉमेडी और इनकी कॉमिक टाइमिंग खूब जमी। और 50 और 60 के दशक में बतौर कॉमेडियन उन्होंने बेहद सुर्खियां बटोरी। दिलीप कुमार की ज्यादातर फिल्मों में या दिलीप कुमार के दोस्त या इनके चेले बने नजर आए, चाहे वो महबूब खान साहब की फिल्म आन रही हो या अमर, कोहिनूर, मिलन, राम और श्याम और गोपी, महबूब खान साहब, प्रकाश मेहरा, चेतन आनंद, ऋषिकेश मुखर्जी और मनमोहन देसाई जैसे महान फिल्मकारों ने इन्हें अपनी फिल्मों में खूब काम दिया। मनमोहन देसाई की 1973 की मल्टी स्टारर फिल्म अमर अकबर एंथनी में मुकरी साहब तैयब अली के एक बहुत ही शानदार कॉमिक किरदार में नजर आए थे। फिल्म अमर अकबर एंथनी में उनपे यानी फिल्म के किरदार तैयब अली पे गाना भी पिक्चराइज किया गया था जिसके बोल थे तैयब अली प्यार का दुश्मन। और फिल्म अमर अकबर एंथनी में अकबर अलीहबादी की वो कव्वाली पर्दा है पर्दा, इस कव्वाली में भी इनकी झलकियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म शराबी के उनके नत्थू राम के किरदार को कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें उनके छोटे कद के साथ या बड़ी बड़ी मूछों के लिए महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कॉमेडी करते नजर आए थे। और अमिताभ बच्चन का शराबी फिल्म का वो डायलॉग भाई मूछे हो तो नत्थू राम जैसी हो, इस डायलॉग और फिल्म शराबी के इनके एक्टिंग परफॉर्मेंस से मुकरी साहब ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इसी तरह महबूब साहब की फिल्म साधु और शैतान का इनका गधे वाले कृष्ण मूर्ति का किरदार बेहद शानदार रहा। इसी तरह 1957 की महबूब खान साहब की सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया का उनके द्वारा निभाया गया शंभू का किरदार कोई कैसे भूल सकता है। 1968 की सुनील दत्त साहब की फिल्म पड़ोसन में या सुनील दत्त साहब के दोस्तों में से एक दोस्त बनारसी के किरदार में नजर आए थे। मुकरी साहब ऐसे ही न जाने कितनी ही फिल्मों में कितनी ही बड़ी बड़ी लेजेंड अभिनेताओं के साथ फिल्मों में नजर आए। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से कलर सिनेमा तक इन्होंने वो सफर तय किया, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा नजदीक आने लगा
और खराब तबीयत के चलते उकरी साहब ने फिल्मों से किनारा कर लिया। उकरी साहब की आखिरी फिल्म रही साल 1994 की मल्टी स्टारर फिल्म बेताज बादशाह, जिसमें यह एक कॉलेज प्रिंसिपल के छोटे से किरदार के रूप में दिखाई दिए थे। इस फिल्म के बाद उकरी साहब ने फिल्मों से किनारा कर लिया और यह धार्मिक गतिविधियों में लग गए। वैसे तो ताजीवन उकरी साहब बड़े ही धार्मिक किस्म के इंसान रहे। इनके आखिरी समय में यह बीमारी की हालत से जूझ रहे थे, लेकिन बालाजी प्रोडक्शन की एकता कपूर ने उकरी साहब से कहा था कि आप आए और हमारे एक टेलीविजन धारावाहिक में काम करें, लेकिन उकरी साहब ने साफ इनकार कर दिया। फिर जितेंद्र साहब ने भी फोन करके उन्हें इस टीवी सीरियल में काम कराने के लिए कहा और तब भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जितेंद्र साहब से कहा कि देखिए जितेंद्र, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा शुरू किया गया काम अधूरा रह जाए और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। इसी वजह से मैं सीरियल में काम नहीं कर सकता। उकरी साहब के निजी जीवन की बात करें तो इनकी बीवी का नाम रहा मुमताज। इस शादी से उन्हें 5 बच्चे रहे, 3 बेटे और 2 बेटियां। उनके बेटों के नाम रहे नसीर, फारूक और बिलाल, और उनके 2 बेटियों के नाम है नासीम और अमीना। इनकी बड़ी बेटी नसीम एक फिल्म राइटर है जो फिल्म धड़कन और हाँ मैंने भी प्यार किया जैसी फिल्मों के डायलॉग लिख चुकी है। उकरी साहब यूं तो अपने बिगड़ती तबीयत के चलते 90 के दशक में ही फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन सन 2000 में इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन इनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। बेहद खराब तबीयत के चलते उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन लंबे इलाज के बाद भी इनकी तबीयत में कोई सुधार ना आ सका। और फिर इनकी खराब तबीयत के चलते 4 सितंबर 2000 के दिन वो तारीख बन के आया जो सबको हंसाने वाला यह एक्टर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाएं और हमें बताएं कि सभी नेता की बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।